आप सभी दर्शकों का निशन विजन विद रूपालाल में फिर एक बार स्वागत है। आज हम कार्बिन कोव एरिया में हैं। जिस तरह से हमने पहले आप दर्शकों के साथ साझा किया था कि यहाँ पर एक गंगा स्थल का निर्माण होने जा रहा है हॉर्नबिल नेस्ट के ठीक सामने ही, और आज यहाँ पर पंडित जी आए हुए हैं, हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट राकेश्वर लाल जी भी आए हुए हैं, और आज और जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कंस्ट्रक्शन वर्क दिया गया है शक्ति कंस्ट्रक्शन, उनको वो भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अपने लेआउट के साथ में, ये निर्धारित करने के लिए कि कहाँ पर शिव जी की प्रतिमा आएगी, कहाँ बाकी जितने भी चीज़ें हैं एंटायर उनके लेआउट में जो भी डिज़ाइंस दिए गए थे वो कहाँ पर कैसे किस दिशा में बनेगा। तो चलिए आज यहाँ पर हम हैं और लोग हैं, तो दो शब्द उनसे सुनते हैं। आज बहुत ही शुभ घड़ी आई, समय आया। कुछ दिन पहले हम लोग जो है अस्थि विसर्जन के स्थान का शुभारंभ किए थे और जगह का जो है शिलान्यास हुआ। आज जो है मेन चीज़ कि मूर्ति का डायरेक्शन के बारे में मेरे को बुलाया गया और कि समझाया जाए कि मूर्ति का डायरेक्शन क्या होगा, कैसा होगा, और हवन कुंड का जगह कैसा रहेगा, कैसा बनेगा, किस जगह में बनेगा, और जो भी इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो कुछ भी है मुंडन संस्कार के लिए कहाँ जगह नियुक्त किया जाएगा, कैसा बनाया जाएगा, वो सब के बारे में मेरे से पूछा गया और जो है हमने बताया। और लगता ठाकुर जी की कृपा हो रहा है, साथ में समुद्र देवता का यह कृपा हो रहा है कि ये बहुत सालों से ये कार्य रुका हुआ था, आज पूर्ण हो रहा है। मैं पंडित रविकेश चंद्र त्रिपाठी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से और सोशल वर्कर। अच्छा पंडित जी, अभी आपने डिसाइड कर दिया कौन सा लोकेशन है, क्या है, सब कुछ बता दिया? हम सब बता दिए हम। अच्छा, हाँ, कि उसको केवल साउथ में नहीं रहेगा, साउथ छोड़ करके आप किसी भी दिशा में बना सकते हैं, क्योंकि रोड को देखते हुए और समुद्र को देखते हुए और जगह को देखते हुए जैसा हमारे जो भी ये सज्जन हैं इनके द्वारा पूछे जाने पर हमने सारा लोकेशन बता दिया। आज हमारे साथ हिंदू राष्ट्र शक्ति के राकेश्वर जी भी हैं। उन्होंने हिंदू राष्ट्र शक्ति का ही ये इनिशिएटिव था, उन्होंने ही मांग की थी चीफ सेक्रेटरी से, जिससे कि वो आज ये संभव हो पाया है और ये शुरुआती दौर पर है। तो राकेश्वर जी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाह रहे हैं, तो चलिए दो शब्द उनसे भी। मैम जी, ये तो बहुत लंबा प्रपोजल था और मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करूँगा हमारा ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, डिप्टी कमिश्नर मैडम को, और इनके अलावा जो हमारा स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के अंदर में जो ये देख रेख कर रहे हैं मिस्टर अविनाश कुमार सिंह जी, जो इनके ओवरऑल इंचार्ज हैं, मैं उनको धन्यवाद करूँगा। क्योंकि मैडम ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे काफ़ी लंबे समय से, और जो हमारे एक्स सीएस साहब थे जितेंद्र नारायण जी, उनके पीरियड में पास हुई थी और इमीडिएटली इसके लिए फंड वगैरह अलॉटमेंट हो गई थी, और उस वक्त हमारा डीसी साहब सुनील अंशीपाकर जी थे जिनका देख रेख में ये कार्य शुरू हुआ। एस्टिमेट फंड आने के बाद उन्होंने हमें कॉल करके बताया कि फंड आ गया है, और उन्होंने पीबीएमसी जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है मिस्टर अविनाश कुमार जी, वो जो है ये देख रेख करेंगे और उनका ओवरऑल लुक जो है डीसी साहब करेंगे। तो अभी ये कुछ दिन पहले अब जैसा हमारा एक्स सीएस साहब और हमारा एक्स डीसी साहब नहीं है, पर ये उनकी कृपा इस पर बहुत है और आज इनके एब्सेंस में ये अलॉटमेंट हुआ, और कुछ दिनों पहले ही हम जो है यहाँ पे पूजा किए थे और काम शुरू हुआ तत्पश्चात, और आज जो था मूर्ति की किस दिशा में उनको बिठाना है इस पर जो है हमसे कल बात हुई और कहा गया कि आप पंडित जी को लेके आइएगा, तो हमने पंडित जी को लेके आया। और ये जो काम है आपका अस्थि विसर्जन की, ये हमारा शक्ति कंस्ट्रक्शन द्वारा किया जा रहा है और ये काम को जो है मई एंड तक कंप्लीट कर देना है और जून तक ये ऑलमोस्ट हैंडओवर हो जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन को। और इनका इसमें क्या क्या आएगी ये तो ऑलरेडी पहले आपको बता दिया गया है और आज पंडित जी भी आपको बता दिए। जैसा कि आज हमें पंडित जी से मालूम हुआ हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड को लेके कि साल में सूरज जो है 40 डिग्री चेंज होता है, कहने का अर्थ ये है कि 6 महीना में 20 डिग्री और 6 महीना में 20 डिग्री तो साल में 40 डिग्री, ये सबको देखते हुए जो है हमने ये शिव जी की मूर्ति कैसे और कहाँ स्थापना करना है ये जो है डिसीजन पंडित जी ने हमारे शक्ति कंस्ट्रक्टर को दिए। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद और एक दफ़ा देता हूँ हमारे सनातन धर्म की ओर से हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को। जैसे कि आप सभी दर्शकों ने पंडित जी को सुना और हिंदू राष्ट्र शक्ति के प्रेसिडेंट राकेश्वर जी को सुना, काफ़ी खुश हैं वो लोग क्योंकि
काफ़ी लंबे समय से ये मांग थी और फाइनली आज शुरुआती दौर पर है, काम चल रहा है। जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो भी लोकेशन पे आए अपने पूरे लेआउट के साथ में और दिशा निर्धारित की गई कि कहाँ पर क्या बनना है, कैसे बनना है। और एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक टाइम पीरियड दिया गया है उसी टाइम पीरियड में कॉन्ट्रैक्टर को ये काम दिया गया है वो भी निर्धारित समय पर तक इसे कंप्लीट करके हैंडओवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।